क्लासरूम टीचिंग में आईसीटी टूल्स का प्रयोग वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 4 पर जैसा कि आपसे पहले भी निवेदन किया गया था, किसी भी पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 देखना जरूरी है, तभी आपको सही संदर्भ समझ में आएगा। हमारी कस्टमाइज लाइब्रेरी कैसे हो सकती है, हम अपने पसंद के रिसोर्सेज को इसमें कैसे ला सकते हैं, ये देखते हैं। हमारे व्हाइट बोर्ड के राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखा हुआ है क्लाउड, यहाँ हम क्लिक करते हैं और डायलॉग बॉक्स में हमें जो सर्च करना है उसका नाम लिखते हैं। वर्कशीट्स, इतने वर्कशीट्स हमें क्लाउड से मिले हैं, हम इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह। इस तरह सीधे ही क्लाउड से हम डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पर कोई भी वर्कशीट को इंपोर्ट कर सकते हैं, पर यह तरीका अच्छा नहीं है। क्यों? कि हमारे टीचर को पता होना चाहिए कि हमें आज क्या पढ़ाना है और कौन सी वर्कशीट करवानी है। इसका दूसरा तरीका यह है कि हम इस इंटेलिस्पेस और वाइट बोर्ड से बाहर निकलते हैं और रिसोर्सेज ढूंढते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नॉर्मल कंप्यूटर पर। यहाँ पर ना कोई इंटरैक्टिव बोर्ड है और ना इंटेलिस्पेस है, क्योंकि इस वक्त हम घर पर हैं। ये मैंने अपना गूगल ओपन किया, इससे हम इमेजेस में जाते हैं और इमेज में जाकर मैं लिखती हूँ वर्कशीट। और जैसे ही मैंने वर्कशीट्स लिखा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं। हमें अपने स्टूडेंट के लेवल और क्लास के अकॉर्डिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करना होता है, और हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वर्कशीट चाहते हैं तो हम सब्जेक्ट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे सामने इस तरह बहुत सारे वर्कशीट्स ओपन हो गए हैं। अब हम चाहते हैं कि इस वर्कशीट को डाउनलोड करें। जब हम किसी वर्कशीट पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे सामने फुल साइज में ओपन हो जाता है। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास सेव के दो ऑप्शन है, एक तो सेव लिंक एज और सेव इमेज एज। हमें लिंक सेव नहीं करना है, बल्कि हमें इमेज सेव करना है। और सेव करते समय हमें देखना है कि हम किस नाम से सेव कर रहे हैं और किस स्थान पर सेव कर रहे हैं। फाइल नेम ये एडिशन का है, तो क्यों ना हम इसको सिंपल वे में एडिशन के नाम से ही सेव कर लें, एडिशन 1। अब हम इसको कहाँ सेव कर रहे हैं? डेस्कटॉप पर। इसको हम ओपन करके देखते हैं, बिल्कुल वही है जो हमने चाहा है। अब हम इसको इंटरैक्टिव बोर्ड के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इंटरैक्टिव बोर्ड के लिए अगर आपको कोई रिसोर्स यूज़ करना है तो आपको उस रिसोर्स को इंटरैक्टिव बोर्ड के लाइब्रेरी में पहुँचाना होगा, तभी जाकर आप उसको इंटरैक्टिव बोर्ड पर इंपोर्ट कर उस पर कोई काम कर सकते हैं। अभी हमने गूगल से एक वर्कशीट ली है जिसका नाम है एडिशन 1। इसको हम कट करेंगे और इसको हम पहुंचाएंगे माय कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, साइबरनेटिक्स, इंटेलिस्पेस और लाइब्रेरी। अब इस लाइब्रेरी को आप ओपन ना भी करो तो सीधा राइट क्लिक करके पेस्ट करें तो ये लाइब्रेरी के अंदर पहुंचे। पर क्या हम हर एक वर्कशीट को लाइब्रेरी में पहुंचाने के लिए इतना लंबा पाथ तय करेंगे? क्या हमें याद रहेगा? क्या इसका कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल शॉर्टकट है। चलिए हम इस वर्कशीट को पहुंचाते हैं उसी लाइब्रेरी में, पर दूसरे तरीके से। हम पहले शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट किसका? लाइब्रेरी का बनाना है। और वो कहाँ पर है? माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, साइबरनेटिक्स, इंटेलिस्पेस, लाइब्रेरी। अब इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू डेस्कटॉप एंड क्रिएट अ शॉर्टकट। अब इस वर्कशीट को हम इसमें पहुंचाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये इंटेलिस्पेस के लाइब्रेरी में पहुंचा है या नहीं है। ये वर्कशीट यहाँ से उठाया और इसमें डाल दिया, बहुत ही सिंपल। देखें, माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, साइबरनेटिक्स, इंटेलिस्पेस, लाइब्रेरी, ये वर्कशीट इंग्लिश का यहाँ पर पहुँच गया है। तो इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को रेडी टू यूज़ रखते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर क्लास में जाने से पहले अपने लेसन को प्रिपेयर करके जाता है ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं हो और टीचर के कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी ना आए। हम लेसन पढ़ करके जाते हैं और एक प्लानिंग बना के जाते हैं कि हमें आज ये पढ़ाना है, तो वही बात यहाँ पर डिजिटल क्लास में भी लागू होती है। ये तो हो गया है गूगल से वर्कशीट्स को डाउनलोड करना।
पर हमारे पास हमारे गवर्नमेंट के दिए हुए, हमारे डिपार्टमेंट के दिए हुए बहुत सारे एक्सरसाइजेस ऑलरेडी हैं, क्यों ना हम उन्हीं को यूज़ करें। देखिए मैं अपने बुक्स का फोल्डर ओपन करती हूँ। देखिए क्लास 1 to 5 के सारे बुक्स मेरे पास ऑफलाइन मोड में अवेलेबल होते हैं। मैं किसी भी बुक को कभी भी जल्दी से ओपन कर सकती हूँ। ये मैंने कहाँ से लिए और आप कहाँ से ले सकते हैं? हम चलते हैं इंटरनेट पर, राज ई ज्ञान पोर्टल। ई ज्ञान, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बुक्स अवेलेबल हैं। किसी एक कक्षा की किसी एक बुक को हम ओपन करते हैं। ये कक्षा तीन, मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, चलिए अंग्रेज़ी ले लेते हैं। और अध्याय सेलेक्ट करना है तो चलिए हम सेकेंड लेसन ले लेते हैं और सबमिट करते हैं। हमारे पास ये पाठ्य पुस्तक यहाँ दिखाई दे रही है, इसको डबल क्लिक किया और केवल एक ही लेसन यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, पूरी बुक नहीं। पूरी बुक चाहें तो आप पूरी बुक भी कर सकते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये कक्षा 3 lesson 2। अब इसमें से मुझे कोई एक्सरसाइज लेना है, चलिए ये एक्सरसाइज मैं इंटरेक्टिव बोर्ड पर करवाना चाहती हूँ। क्योंकि बच्चे बुक में करेंगे, अच्छी बात है, बुक में तो करना ही है, पर एक बार में बुक भर जाती है, दूसरी बार करना चाहे तो बच्चों को रबर लेकर के मिटाना होता है। और एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि इसी बुक से अगले साल का बच्चा भी पढ़ेगा, तो बेहतर है कि हम इनको हम इंटरेक्टिव बोर्ड पे कंप्लीट करवा लें। तो ये एक्सरसाइज मुझे इंटरेक्टिव बोर्ड पे लेना है और ये अभी इस समय PDF फॉर्मेट में है। और मुझे पूरे लेसन का PDF नहीं चाहिए, बल्कि एक छोटा सा एक्सरसाइज चाहिए जो मैं इस लेसन से क्रॉप कर सकती हूँ। हर कंप्यूटर में एक स्निपिंग टूल होता है, एक कैंची होती है। ये कैंची मैंने उठाई और कहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है मुझे, देखिए Activity 1 से लेकर यहाँ तक ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये एक्टिविटी मेरी तैयार हो गई है। पीछे बुक और वेबसाइट सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है, चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। और ये मेरी एक्सरसाइज है, अब इसको मैं सेव कर सकती हूँ, सेव एज English 3.2.1। इसलिए कि 3 क्लास 3 के लिए है, 2 लेसन 2 के लिए है, 1 एक्सरसाइज 1 के लिए। ये मेरा सिस्टम है, आपका अपना सिस्टम हो सकता है। ये हो गया English 3.2.1। इसको लाइब्रेरी में पहुंचाना है, बहुत सिंपल, यहाँ से उठाया और यहाँ डाल। इस लाइब्रेरी से इंटरैक्टिव बोर्ड पर ये एक्सेसिबल होगा। पर मान लेते हैं कि हमारे पास इंटरैक्टिव बोर्ड नहीं है तो क्या बच्चे काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर प्रोजेक्टर हैं तो आप प्रोजेक्टर पर प्रोजेक्ट करिए और सिंपल सा वाइट बोर्ड मार्कर उन्हें दे दीजिए, बच्चे बड़े खुशी से वाइट बोर्ड पर आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास वाइट बोर्ड भी नहीं है और प्रोजेक्टर भी नहीं है तो क्या डिजिटल एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास एक लैपटॉप या PC डेस्कटॉप कुछ तो है, चलिए हम इसको एक सिंपल डेस्कटॉप पर करते हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज स्टूडेंट से करवाना है, कैसे करवा सकते हैं? इंसानी दिमाग में आइडियाज़ कम नहीं होते। मैं आपको बताऊंगी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे एक्सरसाइजेस करवाती हूँ, करवाती थी जब मेरे पास प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव बोर्ड नहीं था। इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक कांच लगा दो छोटा सा और बच्चे को वाइट बोर्ड मार्कर दे दो और बच्चा उस पर एक्सरसाइज कांच के ऊपर टिक लगा करके कर देता है। आपके कंप्यूटर को कहीं कोई नुकसान भी नहीं होता है और बच्चे की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। बुक भरने से तो बेहतर है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस 10 बार करने दो, एक एक बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लैपटॉप भी अक्षुण्य रहेगा और बच्चे का एक्सरसाइज 2 और 3 दिखती हूँ मैं, 5 3 और 5 लिखती हूँ मैं, 8 2 और 4 लिखती हूँ मैं, 6 4 और 5 लिखती हूँ मैं, 9 2 और 2 लिखती हूँ मैं, 4। देखिए मॉनिटर पर जो एक्सरसाइज ब्लैंक था अभी भी ब्लैंक है। मैंने केवल एक इसके सामने कांच लगाया था और जिस पर बच्चे ने अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर लिया और कांच हटाते ही हमारा
जो वर्कशीट है ब्लैंक हो गया अगले स्टूडेंट के लिए। केवल एक कंप्यूटर होने के बावजूद भी हम क्लास के 10-15 बच्चों को बड़े आसानी से वर्कशीट्स इसमें सॉल्व करवा सकते हैं। व्हाट मैटर्स इज प्रैक्टिस, नॉट बंच ऑफ पेपर्स। हम केवल पोर्टफोलियो के नाम से कागज़ भरते जाए और बच्चों की प्रैक्टिस ना हो, इससे बेहतर है कि हम इस तरह से पेपरलेस प्रैक्टिस बच्चों की अच्छी तरह से पहले करवा लें, और जब हम संतुष्ट हो रहे हैं कि बच्चे हमारे अच्छे कर रहे हैं और सीख लिया है, तो फिर हम उनको एक्चुअल वर्कशीट्स जो पेपर के रूप में हैं वो दे दें, तो अच्छी प्रैक्टिस के साथ बच्चे अच्छे निखरेंगे। ये तो है पेन यूज़ करके। आप थोड़ी सी बच्चों को प्रैक्टिस दे दो, वो माउस यूज़ करके भी एक्सरसाइज को बहुत आराम से आसानी से कर लेते हैं। इसी एक्सरसाइज को मुझे बिना इंटरैक्टिव बोर्ड के, बिना प्रोजेक्टर के और कंप्यूटर के सामने कांच लगाए बिना केवल मोबाइल पे करवाना है या केवल लैपटॉप पे करवाना है। चलिए मैं अभी लैपटॉप पे करवाती हूँ। हम पहले पेंट ब्रश ओपन करते हैं। ये पेंट का सॉफ्टवेयर है, इसमें से हम ओपन कर लें। ओपन क्या करें, एक फ़ाइल करें, और फाइल हमारी कहाँ है, डेस्कटॉप के ऊपर, और वो भी माय लाइब्रेरी के अंदर, और ये इंग्लिश की फाइल, ये ओपन हो गई। डिजिटल पेन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास माउस तो है। चलिए इस माउस को यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। ये हमने एक पेंसिल लिया है और पेंसिल का कलर भी चूज़ कर लिया है, और पेंसिल का साइज़ भी हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेंगे और एक्सरसाइज करना है। ये पेंसिल मैंने लिया है, कोई भी आंसर टिक करना है, तो ये इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज को किस बच्चे ने किया है वो भी हम चाहते हैं कि इस पर लिखा हो, तो बच्चे से लिखवा लेते हैं। ये क्लास 3rd का है, तो 300 रोल नंबर मेरा बच्चे का 5 है, तो मैंने लिख दिया 305। और किस सब्जेक्ट का है, इंग्लिश। और किस डेट को किया है मैंने, इसको शायद मैंने 23rd of April 2008। अगर आप इस तरह से लिखना नहीं चाहते तो टाइपिंग का ऑप्शन भी हमारे पास है, और जितना हम यहाँ पेन से लिख रहे हैं ना उतना। ये रोल नंबर 302 इंग्लिश, और हम इसको सेव करेंगे बच्चे के डिजिटल पोर्टफोलियो में। एक बार तो आप डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिए, और डिजिटल पोर्टफोलियोज हमें बनाने होते हैं हर क्लास के लिए। चलो बना के देख लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, और इसका नाम दिया डिजिटल पोर्टफोलियो। डिजिटल पोर्टफोलियो, अब इसके अंदर मैं और फोल्डर्स बना दूँ, न्यू, और ये क्लास 1, ऐसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इसके अंदर एक और फोल्डर बना दूँ इंग्लिश। देखिए हमारे डिजिटल पोर्टफोलियो कैसे बनते हैं। डिजिटल पोर्टफोलियो पूरे स्कूल का है, इसमें ये क्लास 1 का है, क्लास 1 में इंग्लिश का है, और इंग्लिश में भी जा करके अगर आप स्टूडेंट वाइज भी बनाना चाहते हो तब भी बना सकते हो। ये क्लास 1 है तो 101, एक और बना दिया 102, ये रोल नंबर 2 का है। केवल पेपर भरने से ही बच्चे को पढ़ाई आती है ऐसा नहीं है ना, हम मैक्सिमम प्रैक्टिस डिजिटल वे में करवा लें, और जब बच्चा पूरी तरह से रेडी हो जाए, आपका आप संतुष्ट हो जाए, बच्चा संतुष्ट हो जाए, उसके बाद आप कागज़ भरिए। कम से कम कागज़ों में बच्चे की पढ़ाई मैक्सिमम हो सकती है। वर्कशीट को डाउनलोड कैसे करना है, हमारे कोर्स बुक्स को कैसे एक्सेस करना है ईज्ञान पोर्टल से, और एक्सेस करने के बाद उनको वर्कशीट फॉर्मेट में कैसे चेंज करना, बच्चे से काम कैसे करवाना, इंटरैक्टिव बोर्ड हो तो कैसे करवाना, केवल प्रोजेक्टर हो तो कैसे करवाना, प्रोजेक्टर भी ना हो तो कैसे करवाना, काम पूरा होने के बाद बच्चे के एक्टिविटी को डिजिटल पोर्टफोलियो में कैसे सेव करना। अच्छा तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं पार्ट 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।